जाने चाहिए तोड़ने से अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा है ये, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। नवीन भाई, वासी सेक्टर 17 का यही छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम तरह की ब्यूटिफिकेशन और सुशोभीकरण किया गया है। हालांकि नवीन भाई, महानगर पालिका ने नगर विकास मंत्रालय के अधीन रखकर इसके ब्यूटिफिकेशन का नया प्रोजेक्ट तैयार किया है, नया प्लान तैयार किया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद छिड़ गया है और बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है, आंदोलन हो रहे हैं। अभी हालिया जो आंदोलन हुए इस बात को लेकर हुआ कि कहीं ना कहीं नगर विकास मंत्रालय महानगर पालिका के जरिए गैर जरूरी विकास कार्यों पर यानी अनवांटेड डेवलपमेंट पर जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है। इसलिए ये मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या जो प्रोजेक्ट बनाया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इस चौक के सुशोभीकरण का, वो कितना सही है, क्या वाकई इस यहाँ पर गैर जरूरी विकास कार्य होने वाला है, अनवांटेड डेवलपमेंट होने वाला है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, आज इन मुद्दों को हम खंगालेंगे और यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इस चौक की हालत क्या है और क्या वाकई इसके सुशोभीकरण की जरूरत है क्या, जिस तरह की इसकी हालत है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक का, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है और महानगर पालिका ने इसका ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। यहाँ पर ग्रीनरी लगाई गई है, यहाँ पर फाउंटेन लगाया गया हुआ है, यहाँ पर अभी हाल ही में ये फ्लेमिंगो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती ज़्यादा बेहतर दिखे। और आप इसी तरह से आप ये पूरा इलाका देखेंगे कि ये पूरा चौक का इलाका भी उसी तरह से सुशोभीकरण किया गया, ब्यूटिफाई किया गया। लेकिन उससे पहले मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ, मैं उस इलाके को अच्छी तरह से आपको दिखा दूँ कि एक्चुअली जो महानगर पालिका कह रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है, आप ये पूरा जो शिल्प देख रहे हैं, राजा शिव छत्रपति जीवन चरित्र शिल्प इसको बोला गया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है कि ये क्या है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र का यहाँ पर तस्वीरों के जरिए, पत्थर की मूर्तियों के जरिए यहाँ पर उसका विवेचना की गई है, ताकि कोई भी अगर आगंतुक या कोई यात्री अगर आता है दूसरे स्टेट से, दूसरे शहरों से अगर मुंबई में आता है, तो कम से कम वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शिल्प के जरिए उनके जीवन चरित्र को समझ सके। और इसीलिए ये जो पूरा क्षेत्र है इस शिल्प के आसपास का, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको ब्यूटिफाई किया गया है। आज से 8 साल 10 साल पहले इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया था, कई करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए थे, अब दोबारा इसके ब्यूटिफिकेशन की बात चल रही है। मेरे साथ यहाँ कुछ बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी चौक जो है वो कितना खूबसूरत इन्हें लगता है। आप कहाँ रहते हो? आपको ये जो छत्रपति शिवाजी चौक है कितना खूबसूरत लगता है, इसकी जो इसका जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है, यहाँ पे करंजे लगाए गए हैं, फ्लेमिंगो लगाया गया है, ग्रीनरी है, फाउंटेन है, कितना अच्छा लगता है? थोड़े महीने पहले ही ये फ्लेमिंगो सब लगाए, वो और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन को बढ़ा रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी बहुत अच्छा दिख रहा है और ये जो शिल्प है इधर भी अच्छा, इधर घूमने को मस्त अच्छा लगता है। आपको लगता है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जैसे फाउंटेन बताया आपने, ये शिल्प बताया और छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ जो प्रतिमा है अपने आप में खूबसूरत है, इसके अलावा और कुछ लगता है कि हाँ डेवलपमेंट और होना चाहिए? बहुत अच्छा है, और भी हो सकता है डेवलपमेंट। क्या और हो सकता है? और थोड़ा और ग्रीनरी का करना चाहिए, उन लोगों ने नीट करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए। अच्छा, और क्लीन करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ जगह दिख रही है जहाँ पर और कुछ अगर लगता है कि कुछ और होना चाहिए? हाँ, प्लांटिंग करना चाहिए। प्लांटिंग करना चाहिए। और क्या करना चाहोगे संदीप? और अच्छा ही है सर, मतलब जितना है उतना अच्छा। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, इस चौक से अगर कोई आता है, अगर कोई बाहर का, कोई दूसरे सिटी का अगर कोई बंदा आता है, तो उसको ये क्या यहाँ पे समझने के लिए, देखने के लिए क्या सबसे अच्छा है? उनको हमारे हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में समझ में आएगा, जो शिवाजी महाराज ने हम लोग के लिए किया है वो समझ में आएगा। बट अगर एक तरह से देखें तो जितनी खूबसूरती यहाँ होनी चाहिए उतने आपको पर्याप्त लग रही है, आप दोनों को लग रहा है कि हाँ इतना ठीक है, या और कुछ इसको तोड़ कर नए सिरे से बनाने की जरूरत है क्या, आपको लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है ये, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा? और बढ़ाना चाहिए तोड़ने से अच्छा। और बढ़ाना चाहिए? हाँ, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करके नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं। देखिए, ये स्कूली बच्चे हैं और मासूम है, ये कभी गलत नहीं बोलेंगे, और जैसा हमें समझ में आ रहा है कि जितना यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुआ है बेहद अच्छा है,
और इसमें प्लांटेशन का वो सुझाव दे रहे हैं, इसको ग्रीनरी और बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर सारी वो चीज़ें हैं लेकिन ग्रीनरी थोड़ी सी कम है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। जो ये बाकी हिस्से हैं उनको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई किया जा सकता है, वो भी हरियाली के जरिए, जैसे यहाँ पेड़ लगाया गया है, यहाँ पर कई गमले लगाए गए हैं, और इसी तरह से जैसा ये फाउंटेन है, इस फाउंटेन में पेड़ लगाए गए हैं और पौधे लगाए गए हैं, जो खूबसूरत पौधे हैं और फ्लेमिंगो के बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और अगर ग्रीनरी बढ़ा देंगे तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी ये ज़्यादा आकर्षक लग सकता है। अब मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूँ जो इसका प्रमुख केंद्र है इस चौक का, और वो चौक ये है कि आप जो मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा जो है, ये नवीनबई की एक तरह की पहचान है। अगर नवीनबई को किसी वीडियो में या किसी तस्वीर में दिखाना रहता है तो इसी चौक की तस्वीर दिखाई जाती है, और ये सिंबॉलिक है एक तरह से, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो वासी का जो शिवाजी चौक है, ये एक सिंबॉलिक है नवीनबई की पहचान के तौर पर, ये है। और दूसरा जो है, एक जो सिंबॉलिक इसकी पहचान दी जाती है नवीनबई की, वो है खारघर का उत्सव चौक। लेकिन प्रमुख तौर पर अगर देखें तो नवीनबई की असली जो पहचान है, यही जो वासी सेक्टर 17 का ये जो चौक है जो डेवलप किया गया है, ये चौक ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है उसके शिल्प लगाए गए हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए, आप देख सकते हैं ऊपर तस्वीरें लगी हैं, जो मीनार बनाई गई हैं वो, जिसमें प्रिंटेड जो फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं ऊपर, आप देख सकते हैं इस पूरे करंजे के ऊपर, और नीचे जो है वो पत्थरों में जो उकेरी गई जो प्रतिमाएं हैं और वो पूरी कहानियां हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो ऐसी लगाई गई हैं। और नवीनबई आसपास के इलाकों में, थाने जिले में खासकर और रायगढ़ में, ये दो जिले देखें तो कहीं भी इस तरह का भित्ति चित्र नहीं लगाया गया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई ऐसा चरित्र चित्रण कहीं भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको वो चौक दिखाना चाहता हूँ जो वाकई नवीनबई की वो पहचान है, कि अगर नवीनबई को शोकेस करना है चाहे किसी फिल्म में, किसी वीडियो में, या किसी तस्वीर में, या किसी आलेख में, तो इसी छत्रपति शिवाजी चौक को दिखाया जाता है कि ये नवीनबई है। तो मैं उसी जगह पर आपको ले चलता हूँ जिसके नए सिरे से ब्यूटिफिकेशन की तैयारी चल रही है। मैंने आपको पहले यहाँ का फाउंटेन दिखा दिया, यहाँ की जो खूबसूरती वो दिखा दी, और अब मैं आपको उस सेंटर प्लेस पर ले जाना चाहता हूँ। अपने कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि आप इन्हें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर इसको कैसे सजाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक जिस तरह से पहले साम्राज्य के दौरान तोप हुआ करती थी किले की रखवाली के लिए, उसी तरह से ये तोप जो है, वो पत्थर के तोप जो है वहाँ पर लगाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसके उद्घाटन का ये लिखा गया है 11 मार्च 2004 को ये पूरा जो डेकोरेशन है, जो पूरा ये जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है, इसका शुभारंभ हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था, और तब जब पालक मंत्री थे गणेश नाइक जी, उन्हीं के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। संजीव नाइक जी तब उस वक्त महापौर थे नवीनबई महानगर पालिका के, और उप महापौर जो थे रमाकांत मात्रे थे। आप देख सकते हैं ये दोनों तोप जो है उसी दौरान जो है इसको ब्यूटिफाई करके यहाँ से बाहर से ये पत्थर के ग्रेनाइट पत्थरों से बने हुए हैं, और ये इस चौक की खूबसूरती बनाते हैं। और इसके बिल्कुल ठीक सामने एक तरह से संकेत दिया गया कि ये किला है, ये किले का दरवाजा है, और वहाँ पर आगे जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ जो विशाल प्रतिमा आपको नजर आ रही है। तो अगर आप इसको, मैं चाहूँगा कि आप इसे घुमाकर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन्हें घुमाकर जरा दिखाएं कि किस तरह से इसको ब्यूटीफाई किया गया है, यहाँ की खूबसूरती कैसी है, और इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद भी इसको नए सिरे से ब्यूटीफाई करने की जो योजना तैयार की गई है, आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। और दूसरा जो हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा जहाँ पर आपको फाउंटेन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए ग्रीनरी लगी हुई है और लाइट्स का पूरा इंतजाम किया गया है, फाउंटेन चल रहा है, और जो ये सारा जो सारी सजावट की गई है वो सजावट इस लिहाज से की गई है ताकि जो छत्रपति शिवाजी चौक जो है ये खूबसूरत दिखे आने वालों के लिए, यात्रियों के लिए, और जो दूसरे शहरों से भी आने वाले लोग हैं वो भी इसको देखकर इसके आकर्षण से प्रभावित हों। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर कि जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, अश्वारूढ़ प्रतिमा, ये किले का अगर दरवाजा आप मान सकते हैं तो इस महल के बीच में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो अश्वारूढ़ प्रतिमा है वो लगाई गई है। और मैं इस प्रतिमा के साथ साथ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि देखिए यहाँ पर जो सजावट की गई है, जो इंतजाम किए गए हैं वो कितने सही हैं, क्या इनकी हालत ठीक है या नहीं है, ये अच्छे हैं कि नहीं है, क्या आकर्षण को ध्यान में रखकर इसको इन पे पैसे खर्च किए गए हैं कि नहीं किए गए। आप देख सकते हैं कि ये जो ताला है इस पर लगा हुआ है, इस वक्त तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जब
इस पे हार वगैरह चढ़ाना रहता है, जब इसका मेंटेनेंस करना रहता है, तब ये ताला खोलकर महानगर पालिका के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इसमें जाते हैं और इसको इसकी सुविधा जो देखते हैं वो। लेकिन इस वक्त बाहर के लोगों के लिए जाने के लिए नहीं, इसलिए हम यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ये पूरा लाइन देखिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है पौधे लगाए गए हैं। आप यहाँ से लेके अंतिम छोर तक, उस फाउंटेन तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक ये खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। इस वक्त फूल भी इसमें खिले हुए हैं। दूसरी तरफ भी सेम उसी तरह का इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर ये लोखन की रेलिंग के साथ जो है, ये लोहे की रेलिंग के साथ ये दरवाज़ा बनाया गया है, ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, इसकी विडंबना ना कर सके, वहाँ कोई भी अनवांटेड आदमी ना जा सके, इसके लिए पूरा इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। मैं दोबारा चाहूँगा कि आप इस पूरी प्रतिमा को दिखाइए, और जो स्टैंड है जिस पर अश्वारूढ़ प्रतिमा जो स्थापित की गई है, उसकी भी आप हालत देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। ये भी ग्रेनाइट के पत्थरों से तैयार की गई है, और हम आपको और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस साइड का जो उसके पीछे का हिस्सा है वो कितना खूबसूरत है, और कैसे वो दिख रहा है, क्या उसकी कहीं हालत ख़राब तो नहीं है, आपको ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप पूरा ये रेलिंग देख सकते हैं, ये जो पत्थर के ये जो हार्ड रॉक जो है ये इसको लगाया गया है ताकि ये खराब ना होने पाए, और इसीलिए ये पिछले 2004 से देखिए, अगर आप देखें तो 2004 से लेकर आज तक इसकी हालत एकदम सही है, इसकी देखरेख सही हो रही है। और जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हरियाली है, फूल पत्ते लगाए गए हैं, वो तमाम चीज़ें जो इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं, इस स्टैचू की, इस प्रतिमा की खूबसूरती, इसकी गरिमा को बढ़ाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनका इंतजाम किया गया है। आप ये देख सकते हैं जो पूरा स्टैचू है, मैं चाहूँगा आप इस प्रतिमा को देखिए और इस पूरे स्टैंड को देखिए जिस पर इसकी स्थापना की गई है, ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये 2004 में, आज से आप समझ सकते हैं 2022 चल रहा है, 10 से 15 से 18 साल हो गए, और इसको ये लगातार इसकी देखरेख जो महानगर पालिका के जरिए की जा रही है। और ये पूरी जो प्रतिमा है, ये विशालकाय प्रतिमा जो राजस्थान के कहीं दूसरे पत्थरों से बनाई गई है, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये ब्लैक पत्थरों से बनी हुई है, और लगातार इसकी देखरेख हो रही है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कहीं भी इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप नीचे से भी देखिए, पूरे स्टैचू को आप, पूरे अगर स्टैंड को आप देखेंगे गौर से, तो कहीं भी आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी जो ऐसा कहा जा सकता हो कि भाई इसकी बदहाली हो रही है या इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी कहने के लायक नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक हालत में है, बहुत ही खूबसूरत हालत में है, और जैसा कि इसका महानगर पालिका रख रखाव कर रही है वो भी काबिले तारीफ है। ये कह सकते हैं कि ये इतने छोटे जगह में जिस तरह इसको डिजाइन किया गया है, इस पूरे चौक को बनाया गया है, और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसकी देखरेख जिस तरह से हो रही है, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जो गया है, वो बेहद ही काबिले तारीफ है। इसकी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि नई मुंबई महानगर पालिका का जो उद्यान विभाग है, जो इसकी देखरेख करता है, निश्चित तौर पर उसके जो कर्मचारी हैं वो इसके लिए मेहनत करते हैं, इसकी साफ सफाई हो या इसका रख रखाव हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है ये भी बेहद खूबसूरत कर दिया गया, ताकि यहाँ पर कोई गंदगी ना होने पाए, और लोग जो आने वाले हों यहाँ पर, जो चौक के पास आने वाले हों, या जो गाड़ियाँ जब रुकती हैं तो बहुत सारे लोग इस चौक को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बनाया कैसे गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी हालत ठीक है और इसका रख रखाव बेहद अच्छी तरह से हो रहा है, और ये लंबे समय तक कैसे ही रह सकती है, तो इसके ऊपर नया प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको और भी रंग रोगन से और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को निकाल कर और नए सिरे से सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इस पर करोड़ों रुपए का खर्च कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहा है, और इसीलिए जो बीजेपी और खासकर जो गणेश नाइक हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर, या यूं कहें कि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के इशारे पर, इस पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक को नए सिरे से बनाकर इस पर फालतू का पैसा बर्बाद, जनता का पैसा बर्बाद करना चाहती है। और इसीलिए हम आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देख सकें, आप ये समझ सकें कि एक्चुअली जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, क्या वाकई इसका ब्यूटिफिकेशन करने की जरूरत है कि नहीं है, या वाकई इसकी हालत बदहाल है। निश्चित तौर पर महानगर पालिका जैसा प्लान बनाई है कि इसको नए सिरे से बनाने की जरूरत है, इसको डेकोरेट करने की जरूरत है, इसका ब्यूटिफाई करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की इसकी हालत है, आपको मैं दोबारा इस तरफ से दिखाना चाहूँगा। ये वो हिस्सा बनाया गया है जो एक किले के दरवाजे की तरह से होता है, और इसके दोनों साइड में ये ग्रेनाइट पत्थरों की जो है तोप लगाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं 11 जून 2004 को इस पूरे
ये जो ब्यूटिफिकेशन किया गया उसका उद्घाटन हुआ था, तब गणेश नाइक यहाँ के पालक मंत्री थे थाने जिले के और संजीव नाइक महापौर थे। उस वक्त इस पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्यूटिफिकेशन हुआ था। भरत सामंत करके यहाँ के स्थानीय एक समाज सेवक हैं, उनकी डिमांड के बाद यहाँ पर ये फाउंटेन शुरू हुआ था, जबकि बनाया गया था लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा फाउंटेन चालू है, यहाँ की ग्रीनरी अच्छी कर दी गई है, यहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन है जितना ज़रूरी था वो सारा ब्यूटिफिकेशन लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई भी ना पहुँचने पाए, उनके प्रतिमा की विडंबना ना होने पाए, उनका अपमान ना होने पाए, ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं और पूरी हरियाली है। और जो बिल्कुल मेरे राइट साइड में जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को दर्शाने वाली ये भित्ति चित्र बना हुआ है, वहाँ पर पत्थरों में उकेरी गई है उनकी जीवनी, तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी नया आगंतुक या कोई भी यात्री अगर नवी मुंबई में आता है या कोई महाराष्ट्र के दूसरे शहर से कोई अगर व्यक्ति आता है तो यहाँ पर अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को आसानी से समझ सके और यही इसका सबूत है। अब मैं आपको इस पूरे चौक के दूसरे हिस्से में मैं ले जाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये जो इसका दूसरा हिस्सा है, ये जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें बहुत सुंदर बनाई गई हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, और आप इसको देखिए कैसा लिखा गया गोविंदाध्यक्ष की एक इस पर पोएट्री भी लिखी गई है जो यहाँ पर दिख रही है आपको, इस दीवार पर, इस दीवार को रंग कर बनाया गया है। और ये इस छत्रपति शिवाजी महाराज चौक का ये दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा मेरे राइट साइड में था और दूसरा ये लेफ्ट का हिस्सा है जहाँ पर जो इस तरह से बनाए गए, यहाँ पर भित्ति चित्र नहीं है लेकिन इसको इसलिए बनाया गया है यहाँ पर कोई प्रदर्शनी लगानी हो, तस्वीरों की प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी या दूसरा कोई छोटा कार्यक्रम हो तो यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। आप यहाँ पर, मैं दोबारा आपको ये पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये 26 जनवरी 2005 को ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तैयार किया गया और इसका उद्घाटन हुआ था, तब भी गणेश नाइक जी उस वक्त पालक मंत्री थे थाने जिले के और संजीव नाइक जो महापौर थे और ये पूरे जो सदस्य हैं उस वक्त इसमें थे, ये इस महानगर पालिका की कमेटी में थे। ये पूरी जो सूचना फलक, नाम फलक लगा गया है, उस वक्त मधुकर कोकाटे जो थे नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त थे, जिनके कार्यकाल में इस पूरे चौक का ब्यूटिफिकेशन किया गया था। और आप देख सकते हैं इस पर तकरीबन कई करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे। मैं पैसे का आपको पूरा ब्यौरा इस वक्त नहीं दे पाऊंगा लेकिन इतना सच है कि जब यह ब्यूटिफिकेशन किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया था। ये कहा जा रहा था कि इतने जो बीजी चौक पर जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, उस जगह पर इतनी जगह सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए लेना ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब यह ब्यूटिफाई हो गया, ब्यूटिफाई होने के बाद जब इसकी तस्वीर से लोगों के सामने आई तो लोग इस पर वह गर्व करने लगे कि यह नवी मुंबई की वो पहचान है जो हमें बताती है कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी जो है आसानी से समझी जा सकती है। और आप ये पूरा जो हिस्सा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अक्सर प्रदर्शनी लगती है, फोटो प्रदर्शनी लगती है, कुछ कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहे हैं, कई एजिटेशन यहाँ पर हो चुके हैं, कई लोग यहाँ पर भूख हड़ताल कर चुके हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक तरह से जितने भी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख आंदोलन हुए हैं नवी मुंबई में खासकर हुए हैं वो इसी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये चौक ना सिर्फ नवी मुंबई की पहचान है बल्कि राजनीतिक एक आंदोलन का केंद्र भी ये चौक है और इसीलिए महानगर पालिका ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डेकोरेट किया। आज भी आप अभी देख सकते हैं कि इतने 2005 के बाद तकरीबन 17 साल हो गए हैं, इन 17 सालों के बावजूद भी जिस तरह से इसके प्रोडक्ट, जिसके इसके निर्माण में जिस तरह के ग्रेनाइट्स और दूसरी चीज़ें, पत्थर इस्तेमाल किए गए आज भी उसी तरह से चमकते हैं, इनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है 15 सालों बाद। और यह पूरा देखिए स्ट्रक्चर एक तरह का, ये कहीं भी आपको चाहे ये नीचे का पेवर ब्लॉक हो या ये चबूतरा हो, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी बदहाली हुई है और ये आज भी बहुत खूबसूरत है, इसकी उसी तरह से साफ सफाई और देख रेख होती रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसकी हालत ठीक है और आज भी ये खूबसूरत दिख रहा है तब अलग से नया ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं दिख रही, ऐसा लोगों का मानना है। और इसमें जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो गणेश नाइक है उनका सीधा तौर पर ये आरोप है कि जो वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है, जो उसके जो नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन का फंड जमा करने के लिए इस तरह से जो छत्रपति शिवाजी चौक है ऐसे तमाम प्रोजेक्ट उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के बनाए हुए हैं, अनवांटेड डेवलपमेंट के नाम पर चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलाई जा रही हैं जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है। जो तीन प्रमुख चीज़ें हैं
यहाँ बगल में पाम बीच रोड है, वहाँ पर 352 करोड़ का उड़ान पुल, और उसी के बगल में तकरीबन 200 से 250 करोड़ का जो बायोगैस प्लांट है, और तीसरा प्रमुख प्रोजेक्ट इस वक्त जो प्रशासक के कामकाज के दौरान कार्यकाल में जो आया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक का ब्यूटिफिकेशन। इसमें भी करोड़ों रुपए के खर्च की तैयारी है। करोड़ों रुपए का खर्च, आप समझिए कि जिस चौक की हालत बिल्कुल ठीक है, जहां खूबसूरती आज भी बरकरार है, जहां पर ब्यूटिफिकेशन किया गया है बहुत कुछ समय पहले, जहां सब कुछ ठीक हालत में है, जहां फाउंटेन चल रहे हैं, जहां हरियाली बरकरार है, जहां पर लाइटिंग अच्छी है, और जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमें गौरवान्वित कर रही है, ये पूरा जो शिल्प चौक बना हुआ है, ये चौक भी अगर खूबसूरत है तो इसके बावजूद इस पर नए प्रोजेक्ट, नए ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत क्या है, यह सवाल उठाया गया है। और यह सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि अभी तक महानगर पालिका या सत्तारूढ़ सरकार की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है कि जहां सब कुछ ठीक है उसे फिर से दोबारा सजाने की और संवारने की और उस पर बेवजह जनता का पैसा लुटाने की जरूरत क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर और उनका विभाग निश्चित तौर पर इस अनवांटेड डेवलपमेंट के ऊपर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब जरूर देगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।